कारेगा फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट के इसी में, मैं हूं अभिनव। आईपीएल में कल चैंपियन टीम गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। हालांकि दिल्ली कैपिटल अपना पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गंवा चुकी है और गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस टीम को जीत का खाता खोलना आसान नहीं होगा। वहीं गुजरात ने अपने पहले मुकाबले में ही दिखा दिया है कि उनके खिलाफ जीत दूसरी टीम सोच भी नहीं सकती है। आइए वीडियो के जरिए जानते हैं कल के इस मुकाबले से जुड़ी आगे की खबरें। कल दोनों टीम एक बार फिर से भिड़ने को तैयार है। कल का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली का होम ग्राउंड है यह, लेकिन गुजरात को हर जगह शेर बनकर दहाड़ने की आदत है। ऐसे में दिल्ली पूरी एरी चोटी का जोर लगा देगी जीत हासिल करने के लिए। वही गुजरात की बात करें तो यह डिफेंडिंग चैंपियन है और इस सीजन की शुरुआत भी उसी अंदाज में कर चुकी है। पहले मुकाबले में ही चार बार के चैंपियन महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई को इस टीम ने 5 विकेट से मात दे दी है। उस मुकाबले में अफगानिस्तान के राशिद खान ने अपना जौहर दिखाते हुए ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। वहीं शुभमन गिल भी जबरदस्त फॉर्म में है इस वक्त। केन विलियमसन के रूप में इस टीम को बड़ा झटका लगा है, मगर उम्मीद होगी कि जिस भी खिलाड़ी को केन की जगह पर मौका मिलेगा वो बखूबी उस मौके का फायदा उठाएंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स कल के मुकाबले में कुछ अलग तरीके की रणनीति तैयार कर मैदान पर उतरना चाहेगी। वहीं एक हार के बावजूद टीम में कोई भी बदलाव संभव नहीं है। पिछले मुकाबले में दिल्ली के गेंदबाजों की खूब पिटाई हुई थी, फिर भी खलील अहमद और चेतन साकरिया ने 2-2 विकेट अपने नाम किए थे, तो गेंदबाजी इस टीम की अच्छी है। वहीं बल्लेबाजी में मिशेल मार्श को अपना दमखम दिखाना होगा। वहीं सरफराज अहमद और रोमन पावेल भी अगर मिडिल ऑर्डर में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो टीम एक अच्छा टोटल भी दे सकती है और अच्छे टोटल को चेज भी कर सकती है। तो अब कल यह देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात अपने जीत का लय बरकरार रखती है या फिर दिल्ली अपनी जीत का खाता खोलता है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट की हिस्ट्री। धन्यवाद।